रिएक्शन में आज देखेंगे त्रिपुरा के इस वीडियो को, एक बार ज़रूर देखिए अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट त्रिपुरा इन हिंदी, अननोन मिस्टीरियस हिंदी चैनल का ये वीडियो है और हमारे इस वीडियो का भी सारा क्रेडिट उनके चैनल का ही रहेगा। मैं आपका दोस्त संजय और मैं कविता, नमस्कार। खुलुमखा स्वीकार करें इंडियन रिएक्शन, नो रोग जो दोनों लामसोगो। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा तो प्लीज़ इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें इनके ओरिजिनल वीडियो का, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा समृद्ध। भारत के सबसे खूबसूरत सेवन सिस्टर्स में से एक ऐसे राज्य को भारत का सबसे शांत राज्य माना जाता है। यहाँ आपको जनजाति और आधुनिक जीवन शैली का खूबसूरत सम्मिलित रूप देखने को मिलेगा। एक ऐसा राज्य जो कि भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है और यहाँ वाइल्ड लाइफ इसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाती है। पश्चिम बंगाल के अलावा इसी राज्य के लोग भारत में सबसे ज्यादा मछली खाते हैं। एक ऐसा राज्य जहाँ सारे धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ की पहाड़ियों को देखकर आपका तन मन खुश हो जाएगा। इस राज्य को कहा जाता है नदियों का घर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के बेहद खूबसूरत राज्य त्रिपुरा के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये कमाल का खूबसूरत राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 36,71,000 है, जो कि भारतीय राज्यों में 22वें नंबर पे आता है। आपको बता दें, त्रिपुरा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसके 6 निकटवर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। अगर इन पड़ोसी राज्य के साथ त्रिपुरा को मिला दिया जाए तो ये सामूहिक रूप से सेवन सिस्टर स्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। पर्यटक जैसे ही अगरतला शहर में प्रवेश करते हैं वैसे ही वो उसकी संस्कृति में ऐसे रम जाते हैं जैसे वो सालों से परिचित हों। अगरतला का मौसम हर समय सुहावना रहता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये एक ऐसा शहर है जहाँ मनोरंजन के तमाम साधन मौजूद हैं। साथ ही ये शहर सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। इस बेहद खूबसूरत शहर का अपना इतिहास है और इस शहर में अक्सर इतिहास प्रेमी आया करते हैं। अगरतला शहर लोक कथाओं का शहर है। ऐसी लोक कथाएं जो यहाँ पर सालों से वाचिक परंपरा के द्वारा सुनाई जाती रही हैं। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो इसका आधे से ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ प्रकृति प्रेमी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। त्रिपुरा घूमने के लिहाज से काफी अच्छी जगह है। यहाँ पर कई शाही महल और मंदिर हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, और राजधानी शहर अगरतला में भी काफी दर्शनीय स्थल हैं। अगर आप त्रिपुरा जा रहे हैं तो ऊनाकोटी जरूर जाइएगा। ऊनाकोटी एक पहाड़ी है जिससे ऊनाकोटी जिले का नाम पड़ा है। ऊनाकोटी अपने विशाल पत्थर और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इन नक्काशियां देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा की गई थी। अगरतला शहर के बीचों बीच उज्जयंत महल बना हुआ है, अब इसे विधानसभा भवन बना दिया गया है। इस महल में 7 मंजिलें हैं और बीच में 3 गुंबदे बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने इस महल के अंदर कई फब्बारे और बाग बने हैं। त्रिपुरा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी आधे से ज्यादा आबादी कृषि और इसके संबंधित अन्य कामों से जुड़े हुए हैं। हालांकि त्रिपुरा राज्य पहाड़ियों और जंगलों से घिरे होने के कारण यहाँ की कुल भूमि का सिर्फ 27% ही खेती के लायक है। यहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। इसके साथ ही आलू, गन्ना, मेश्ता, दालें और जूट राज्य में खेती की जाने वाली अन्य प्रमुख फसलें हैं। यहाँ के किसान परंपरागत रूप से झूम पद्धति से खेती करते हैं। त्रिपुरा राज्य को नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने छोटे से राज्य में कुल 10 नदियाँ बहती हैं। यहाँ की नदियाँ बिल्कुल साफ और स्वच्छ हैं, और इन नदियों में किसी भी तरह की कोई गंदगी आपको नहीं मिलेगी। खासकर इस राज्य की गोमती, बुरिमा, खुवाई, फेनी और मोहरी नदी की बात ही कुछ और है। ये नदियाँ इतनी साफ हैं कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि नदियाँ भारत की हैं। अगर भाषा की बात की जाए तो त्रिपुरा में बंगाली और त्रिपुरी भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं इसके अलावा त्रिपुरा में हिंदी भाषा भी बड़े पैमाने पे बोली जाती है, लेकिन त्रिपुरा में ऑफिशियल कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। त्रिपुरा विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान है, इसलिए यहाँ के जनजातीय लोग सबरोम और चक्र नाम की बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यहाँ के कुछ लोग रंगखाल और हलम जैसी भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। वेल दोस्तों, त्रिपुरा की
लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और साथ ही दिल के बहुत साफ होते हैं और इन लोगों की सुंदरता बहुत ही नेचुरल होती है। अपनी संस्कृति के साथ साथ आज के जमाने से कदम मिलाकर सफलता के नए आयामों को छू रही हैं। यहाँ की लड़कियाँ खेल कूद में भी बहुत आगे होते हैं। दीपा कर्माकर जैसी एथलीट त्रिपुरा से ही है। त्रिपुरा का पारंपरिक नृत्य यहाँ की संस्कृति का परिचायक है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी परंपरा के मुताबिक नृत्य करते हैं। यहाँ पर शादी विवाह या धार्मिक समारोहों और त्योहारों के मौके पर गरिया नृत्य किया जाता है। त्रिपुरा में रहने वाले रिंग लोग होजगिरी नृत्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के नृत्य किए जाते हैं जिनमें त्रिपुरी लोगों द्वारा लेबंग नृत्य किया जाता है। वहीं चकमा लोग बीजू नृत्य तथा गारो लोग वांगला नृत्य करते हैं। त्रिपुरा सच्चे मायनों में पहाड़ियों का राज्य है। इन पहाड़ियों की खूबसूरती को देखकर यकीन मानिए आपका मन वहीं बस जाने का करेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें घने वनों को देखकर आपका दिल नाच उठेगा। शांत वातावरण के साथ नदियों की कलकल पानी की आवाज और साथ ही पक्षियों की चहचहाहट से आपको ये लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि त्रिपुरा सेवन सिस्टर्स राज्यों में से एक है, इसलिए इन सभी राज्यों का रहन सहन खान पान भी बाकी बहनों की तरह काफी मिलता जुलता है। चूंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो यहाँ पर बांग्लादेश की संस्कृति और खान पान की छटा भी नजर आती है। यही वजह है कि यहाँ पर खान पान में ज्यादातर लोग मछली और चावल खाते हैं। यूं तो अन्य सभी पर्यटक स्थलों की तरह त्रिपुरा में भी कॉन्टिनेंटल फूड मिल जाता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस पर्यटक स्थल पर अगर हम घूमने जाएं और वहाँ का स्थानीय खान पान हम न चखें तो यात्रा कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है। तो आइए दोस्तों थोड़ी नजर डालते हैं यहाँ के स्थानीय व्यंजनों पे। यहाँ के स्थानीय व्यंजनों में मुई बुरोक बहुत प्रसिद्ध है जो मछलियों से बनाया जाता है। इसे चावल के साथ खाते हैं। मुई बुरोक यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है। इसके अलावा यहाँ पर चावल से बनी बियर भी बेहद प्रसिद्ध है। अगरतला में चावल की खेती होती है इसलिए उससे बने हुए विभिन्न खान पान यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर त्रिपुरी चटनी और कुछ अन्य समुद्री भोजन जैसे कछुए केकड़े झींगे इत्यादि लोकप्रिय हैं। अगरतला में बंगाली मिठाई भी केवल उस शहर में नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है। त्रिपुरा में कई लोग पिछड़ी जनजातियों से संबंधित हैं। यहाँ पर करीब 19 जनजातियाँ रहती हैं जो अभी भी जंगलों में ही रहते हैं। यहाँ की जनजातियों में त्रिपुरी चकमा गारो मणिपुरी मिजो रंग कुकी और चाई शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बंगाली हिंदुओं की अच्छी खासी जनसंख्या है। राज्य में मुस्लिम बौद्ध और क्रिश्चियंस के अलावा कई धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। त्रिपुरा अपने त्योहारों के लिए काफी फेमस है। मुख्य रूप से त्रिपुरा में दुर्गा पूजा काली पूजा गंगा पूजा रासलीला झूलन यात्रा रथ यात्रा मकर संक्रांति पौष संक्रांति मेला और गरिया पूजा आदि मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर होने वाली नौका दौड़ भी बेहद प्रसिद्ध है जिसका आयोजन हर साल होता है। अगर आप अगरतला में आए तो इन स्थानीय मेलों और त्योहारों का हिस्सा जरूर बने। भले ही त्रिपुरा राज्य बहुत छोटा है लेकिन इस राज्य में आपको विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने को मिलेंगे। राज्य में आपको चार प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेंगे और इन अभयारण्यों में पेड़ों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है जिनमें से कुछ में औषधीय गुण भी होते हैं। साथ ही ये राज्य स्तनधारियों की कई प्रजातियों का घर है। सर्दियों के मौसम में त्रिपुरा में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी भी देखे जाते हैं। त्रिपुरा में रहने वाले लोगों के दिल बहुत साफ हैं। वो अपने काम से काम रखते हैं। पूरे राज्य में सबसे कम क्राइम रेट इसी राज्य का है। यहाँ के लोग आपको अक्सर खेतों में काम करते हुए देखेंगे और जब ये लोग काम पे नहीं होते तो अपने परिवार के साथ समय बिताना इनको बहुत पसंद होता है। इन लोगों का बर्ताव बहुत ही दोस्ताना होता है। इनसे आप जब भी बात करेंगे ये लोग आपकी बात पूरे सम्मान के साथ सुनेंगे और बहुत ही नरम आवाज में जवाब भी देंगे। सिर्फ बातचीत में ही नहीं ये राज्य पढ़ाई लिखाई में भी काफी आगे है। यहाँ लिटरेसी रेट की बात करें तो त्रिपुरा में उच्च साक्षरता दर है और वो है 87.7% जो भारत की औसत साक्षरता दर 74.04% से काफी ऊपर है। केरल लक्षद्वीप और मिजोरम के बाद त्रिपुरा भारत का चौथा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए त्रिपुरा में पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। तो दोस्तों अगर आप प्रदूषण रहित और साफ सुथरी जगह की तलाश में हैं तो आपको एक बार त्रिपुरा जरूर जाना चाहिए। यहाँ के साफ सुथरे वातावरण को देखकर आपको जो सुकून मिलेगा वो शायद आपको कहीं और ना मिले। आप यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं देख पाएंगे। यहाँ के लोग भी सफाई के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक होते हैं। त्रिपुरा में रहने वाले लोगों में खास बात ये होती है कि ये लोग दिन में कुछ समय निकालकर रोज अपने आसपास की जगहों को साफ करते रहते हैं। अगर इस राज्य के इतिहास पे नजर डालें तो त्रिपुरा का इतिहास काफी समृद्ध है। इस राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम माणिक्य था जो कि एक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया थे। साल 1808 में ब्रिटिश साम्राज्य का इस राज्य पे कब्जा हो गया। आगे जाकर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब उस दौरान त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 21 जनवरी 1972 को इसे भारत के एक राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम आपको त्रिपुरा नाम की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि त्रिपुरा राज्य का नाम यहाँ के एक राजा के नाम पे रखा गया है। ये राजा ययाति वंश के 39वें राजा थे जिनका नाम राजा त्रिपुर था।
हालांकि त्रिपुरा राज्य के नाम को लेकर काफी मतभेद है, जिसमें से एक मत के अनुसार त्रिपुरा राज्य का नाम यहाँ की स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर रखा गया है। त्रिपुरा राज्य में कई कुशल बुनकर हैं। यहाँ की बुनाई की उत्कृष्टता आपको यहाँ की वेशभूषा में नजर आएगी। त्रिपुरा के लोगों का ड्रेस पैटर्न अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मुकाबले काफी अलग है। त्रिपुरा के पुरुषों की वेशभूषा की बात करें तो यहाँ के पुरुष शॉल जैसी एक चादर पहनते हैं, जिसे रेकुटो गमछा कहा जाता है। वहीं गर्मियों में काम करने और धूप से बचने के लिए लोग पगड़ी पहनते हैं, लेकिन आज त्रिपुरा के पुरुषों की वेशभूषा में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें त्रिपुरा के महिलाओं के पहनावे के, तो यहाँ महिलाओं के कपड़े कई टुकड़ों पे बटे हैं। इन टुकड़ों को रेनई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं रीसा नामक कपड़े का टुकड़ा पहनते हैं और शरीर के निचले भाग में स्कर्ट पहनते हैं। यहाँ के आभूषणों में सिक्के और चांदी से बने चूड़ी और कान नाक के गहने पहने जाते हैं। इसके अलावा फूलों का भी यहाँ की महिलाएं आभूषण के तौर पर इस्तेमाल करती नजर आती हैं। त्रिपुरा राज्य अपने विशाल बिजली उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। मार्च 2020 तक राज्य की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 763.96 मेगावाट थे। अगर मौसम की बात करें तो इस राज्य में पूरे वर्ष आर्द्रता अधिक रहती है। अगर यहाँ औसत तापमान को देखा जाए तो त्रिपुरा में औसत गर्मी का तापमान 30.70 डिग्री सेल्सियस और 19.50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। राज्य में सर्दियों का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। त्रिपुरा का प्रमुख हवाई अड्डा अगरतला में स्थित है। अगरतला कोलकाता और असम के विभिन्न नगरों से वायु मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा त्रिपुरा में खोवाल, कमालपुर और कैलाशहर तीन छोटे हवाई अड्डे मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य त्रिपुरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको त्रिपुरा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आप में से अगर कोई त्रिपुरा से हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो भाई बताना जरूर कि आप कभी गए हो त्रिपुरा, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, ये था वीडियो, और सबसे पहले मैं इनके चैनल को और सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। और सच कहूँ तो इतने दिनों से मैं त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भाई ने इतना डिटेल में और हर चीज़ के बारे में बताया ना, तो मतलब जो जानकारी किसी को भी त्रिपुरा के बारे में चाहिए तो उनको इस वीडियो में से मिल सकती है। और सबसे बेहतरीन बात मुझे जो लगी वो इंडिया में चौथे नंबर पे है लिटरेसी रेट में त्रिपुरा, ये मुझे नहीं पता था। और जो एनर्जी के बारे में कहा, बाकी उन्होंने हिस्ट्री के बारे में भी बहुत समझाया, इतने सारे ब्यूटीफुल डिशेस, वाओ, वो देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था, इतने सारे डिशेस देख के, और वो भी मछली वाली, ये सारी जो कि त्रिपुरा के ट्रेडिशनल डिशेस है वो भी दिखा रहे थे। उजेंता पैलेस दिखाया, वो इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता चला, और स्वच्छता जो क्लीन है वहाँ का एरिया उसके बारे में भी, और लोगों के बारे में इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने समझाया। इतना बेहतरीन वीडियो था, मैं बता नहीं सकता। और भाई की आवाज़, उनका बोलने का अंदाज़, और इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस वीडियो को बनाया, और बहुत अच्छा लगा कि बस सुनते रहने का मन कर रहा था और भाई बोलते रहे, और उसमें से भी वो त्रिपुरा के बारे में बोल रहे थे, इसलिए तो और भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे वीडियोस देख के लोग घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में ये भी कहा कि सबसे कम क्राइम रेट त्रिपुरा में है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो मतलब बहुत पीसफुल है। तो आप इतना सारा ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार त्रिपुरा को विजिट करिए, हम भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो कविता से पूछते हैं उनको कैसा लगा वीडियो। सबसे पहले मुझे ये वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि सब इसमें एक्सप्लेन करके जो है वो सब बता दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। ड्रेसेस के बारे में भी बहुत, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है हम तो हमेशा सॉन्ग्स में देखते हैं, तो उसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा बारीकी से समझाया उन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो सुन के, जैसे कि उन्होंने पूरा त्रिपुरा का जो भी है त्रिपुरा में, जैसे कि पहाड़ों का सिटी है वो तो मेन बताया, तो वो सब दिखाया उसमें बहुत, वो अजंता पैलेस वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो दिखाया, वो भी बहुत अच्छा लगा।
निर्मल रह गया, निर्मल नहीं दिखाया, और ऐसा दिखाया कि पूरा त्रिपुरा शहर इतना ब्यूटीफुल, और इतना त्रिपुरा स्टेट इतना ब्यूटीफुल है, मतलब वहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई देगी, बहुत क्लीननेस त्रिपुरा में, जितने भी नदियाँ है वो भी एकदम पानी, हाँ पानी भी बहुत, मतलब कुछ भी ऐसा गंदगी नहीं दिखेगी, तो बहुत सारा बताया वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चावल की डिशेस भी, क्योंकि मैं भी खाने में बहुत ज़्यादा राइस यूज़ करता हूँ, तो वो इतने सारे डिशेस और स्वीट डिशेस भी दिखाई दे रही थी, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बारीकी से बताया, तो बहुत अच्छा लगा गाइस ये वीडियो देख के। और ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म बढ़े। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।